आगामी 5 फरवरी को उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था द्वारा तिथि स्वाद पर्वती बसंतोत्सव का आयोजन होगा। आयोजकों ने इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था इंदौर द्वारा 33वां पर्वती बसंत उत्सव इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के चंद्रगुप्त मौर्य चौराहा के समीप वैभव श्री मैरिज गार्डन में आगामी 5 फरवरी 2023 को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष मीर रंजन नेगी और सचिव सीमा डंगवाल सतीश जोंडिया ने जानकारी देते हुए बताया कि होने वाले आयोजन में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री उषा ठाकुर, तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला, विधायक आकाश विजयवर्गीय सहित कई लोग मौजूद रहेंगे। आयोजकों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी आयोजन में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे, जहां महिलाओं और पुरुषों के साथ ही बच्चे अपनी पारंपरिक उत्तरांचल की वेशभूषा में रंगारंग आयोजनों की प्रस्तुति देंगे। आयोजकों के मुताबिक जनता कॉलोनी में 5 फरवरी को ही परिचय सम्मेलन का भी आयोजन होगा, जिसमें देश के कई राज्यों से युवक युवती इस परिचय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। 5 फरवरी को हमारा उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था का भव्य मतलब आयोजन है, हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होने जा रहा है। क्योंकि 2 वर्षों से कोरोना की महामारी के कारण हमने ये कार्यक्रम कर नहीं पाया है। इस साल हमारा 5 फरवरी को ये कार्यक्रम वैभवश्री गार्डन में होने जा रहा है और इसमें मतलब काफी लोगों का उत्साह रहता है, तो इस साल हम लोग मतलब बहुत उससे कर रहे हैं। और हमारे यहाँ मतलब ये श्री हेमंत पांडे जी जो कृषि मूवी में भी थे और ऑफिस में फेम थे, तो वो आ रहे हैं मतलब अपनी प्रस्तुति देने। और श्रीमती संगीता डोंडियाल जी जो वहाँ उत्तराखंड की बहुत अच्छी मशहूर गायिका है, उनकी भी प्रस्तुति रहेगी। साथ ही साथ कुमाऊं रेजिमेंट का बैंड वो भी अपनी एक प्रस्तुति देने आ रहा है। इसके बाद जो हमारे यहाँ के करते हैं, हम लोग का मेन उद्देश्य ये रहता है कि हमारे युवा हमारी संस्कृति से जुड़े, तो हम लोग वेशभूषा भी हम पारंपरिक रखते हैं ताकि उनको समझ आए कि हमारी संस्कृति क्या है। उसलिए हम लोग मतलब ये जोरों शोरों से बनाते हैं और सभी लोग मतलब इकट्ठे होते हैं। ये हमारा इतना अच्छा कार्यक्रम रहता है, इसका इंतजार हमें सभी को रहता है। इसके बाद हम 5 मार्च को परिचय सम्मेलन करने जा रहे हैं, उसमें हम युवा युवती की शादियां मतलब जोड़े आते हैं, उनकी शादियों का जो भी रहता है वो करते हैं। मध्य प्रदेश से बाहर भी लोग आते हैं यहाँ। और 5 फरवरी को जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें सभी मतलब अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं और इंदौर के सारे लोग मतलब गाने से लेके डांस से लेके ग्रुप डांस हमारा ज़्यादा रहता है कि ग्रुप डांस हम करें ताकि हमारे युवाओं को मालूम चले कि हमारी संस्कृति क्या है, वो नहीं तो संस्कृति से कैसे जुड़ेंगे। इस कारण से हम ये बसंत उत्सव मनाते हैं प्रतिवर्ष। जी उत्तराखंड से भी कुछ लोग आने जाएंगे? उत्तराखंड से मतलब 2 ये आ रहे हैं, वैसे वहाँ से तो नहीं आ रहे, मतलब ये संगीता डोंडियाल जी आ रही हैं और श्री हेमंत पांडे जी आ रहे हैं, इनकी प्रस्तुति रहेगी। मुख्य अतिथि हमारे श्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय और श्री माननीय श्री रमेश मेंदोला जी रहेंगे। विशेष अतिथि में विशेष हाँ श्री तुलसी सिलावट के वो है, आकाश विजयवर्गीय और सुश्री उषा ठाकुर जी रहेंगी। पर्वतीय बसंत उत्सव का ये कौन सा आयोजन करने जा रहे? 33वां वर्ष है ये आयोजन का। जगह भी चेंज किए हैं और इस बार हमें उम्मीद है कि बहुत लोग आएंगे। यहाँ पार्किंग की हमें सुविधा नहीं मिल पाती थी, इसलिए हम लोग सब चीजें ध्यान में रखते हुए हमने जगह डिसाइड करी है। कितने लोग आएंगे? कम से कम 2000 नहीं 4 से 5 हजार लोग। मैं उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था सचिव श्रीमती सीमा डंगवाल। We'll be right back.